हेलो, आई एम एंडी और आज मैं रिव्यू कर रहा हूं ब्रह्मास्त्र फिल्म। जी हाँ, मैं देखने गया था, बॉयकॉट नहीं हुआ मुझसे, क्योंकि बॉयकॉट की वजह से मुझे लगा कि मुझे ये फिल्म देखनी चाहिए, एक बार देखनी चाहिए, देखने के लिए कि इसमें कुछ बॉयकॉट करने वाला है कि नहीं। एंड हियर्स व्हाट आई थॉट। तो पहले तो मैं सिनेमा गया, सिनेमा गया तो मुझे, मेरे मन में कीड़ा था कि इतने सारे जो ऑनलाइन सिनेमा के हॉल, खाली हॉल दिखा रहे हैं, क्या वो हकीकत में ऐसा है? तो ये देखिए, ये हॉल जहां पे मैं देखने गया था लंदन में, वहां पे ये दशा थी। Ready, screen one. Mum's got her popcorn. Screen one. Oh, it's this one. No, it's not. Have I gone past it? Oh, it's over there. There's Excuse nobody me, in I the need to sit cinema. somewhere else. फेक न्यूज तो नहीं है, कंफर्म्ड किया जाए। और फिर उसके बाद फिल्म चालू होती है और मैं काफी एक्साइटेड था कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं मॉम के साथ मैं मूवी देखने गया था और ये मेरी मॉम के थॉट्स हैं। फिल्म तो अच्छी है, फिल्म तो कोई खराब नहीं है। बॉयकॉट करना चाहिए था? नहीं, बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। हमने मूवी देखी और शुरुआत होती है, शाहरुख खान एक बहुत एलैबोरेट सीन करते हैं जहाँ पे शाहरुख खान बहुत अच्छे लग रहे हैं इस मूवी में। अच्छा था कि उनका रोल भी इतना छोटा रखा, दैट वाज क्वाइट नाइस। अंदर आए और छलांगे लगाई और फिर खुदकुशी कर ली। बेसिकली स्पॉइलर अलर्ट, ऊप्स। एनीवे, मौनी रॉय क्या मतलब पिशाचिनी ऐसी होनी चाहिए, लाइक वाओ। आई हैव टू से मौनी रॉय की जो कास्टिंग करी गई है इस मूवी में, शी डिड अ रियली गुड जॉब। आई एम वेरी हैप्पी फॉर मौनी, मौनी डिजर्व दिस, शी इज डन अ रियली गुड जॉब। शी दिखाती है कि यू नो चुड़ैल कैसी बनी जाती है। अगर किसी को सीखना है तो मौनी रॉय को फोन कर लो, क्योंकि शी डिड सच अ गुड डैम जॉब। उसकी आंखों में जो जुनून है, आई लाइक्ड इट। एनीवे, सो आगे बढ़ते हैं। रणबीर कपूर का पता चलता है खोपड़ी में कोई इशू है अग्नि के साथ, और उनकी माँ का भी देहांत समझ में आता है या नहीं समझ आता, फ्लैशबैक्स में बहुत कुछ दिखाया जाता है। पर उससे पहले, सबसे पहले ये है कि गाना रणबीर कपूर का चले जाता है, वो पंडाल में है, पंडाल में एक लड़की को देखते हैं, फिर वो डीजे बन जाते हैं, फिर डीजे बन के वो एक रेव पार्टी में है, फिर वहां से छलांग मार के फिर वापस आते हैं, फिर कोई बिल्डिंग में है, बिल्डिंग में से लिफ्ट नीचे आ रही है, फिर वो बंदर बन के वहां पे छलांग मार देते हैं। लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन, सो कंफ्यूजिंग। और गाना भी क्या था, डांस का भूत चढ़िया। लाइक वो कनेक्शन कहाँ का, आई डिडंट अंडरस्टैंड द कनेक्शन ऑनेस्टली। हॉलीवुड में जो लव स्टोरीज है बहुत उनको इम्पोर्टेंट माना जाता है, पर इस फिल्म में कहीं ना कहीं रणवीर और आलिया मिलते हैं, दूसरे दिन प्यार हो जाता है, तीसरे दिन वो मतलब अटूट बन जाता है उनका बंधन, चौथे दिन वो पर्वत पे पहुंच जाते हैं जहां पे एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेसिकली मतलब इट्स दैट मच टाइम। आई मीन वी कैन डू बेटर देन दैट, यू नो। आज की डेट में क्या सिखाना चाहते हैं ये बॉलीवुडिज्म्स, प्यार प्यार इश्क विश्क एंड ऑल ऑफ दैट, बट कम ऑन, लेट्स बी रियलिस्टिक। मतलब आपने इसको सेटअप किया है ऐसे जैसे कि इट्स इन द रियल वर्ल्ड, सो लेट्स हैव रियल वर्ल्ड इमोशंस ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक द ऑडियंस डिजर्व्स दैट। अयान मुखर्जी ने ये डायरेक्ट की है फिल्म, और वेकअप सिड की झलक जरूर है इस फिल्म में, क्योंकि रणबीर कपूर सेम टू सेम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं कहीं ना कहीं वेकअप सिड वाला, पर वो गरीब है, क्योंकि उसने बोला है वो गरीब है तो हम मान लेते हैं मैं गरीब हूं, हाँ, और मैं अमीर हूं, हाँ, तू अमीर है, मैं गरीब हूं, वाह।
रोमियो जूलियट बन जाते हैं। पता चलता है स्टोरी प्लॉट थिकन होती है क्योंकि फिर तीन हिस्से हैं ब्रह्मास्त्र के, और फिर रणबीर कपूर को वो सब सपने में दिखता है, तो फिर वो सपने में फिर उसको बहुत कुछ करना होता है। हाँ अब मुझे पता है आगे क्या करना है, बेसिकली सब कुछ पढ़ाया जाता है हमें, जैसे स्कूल में है ना, अब ऐसा होगा, अब हम ऐसे करेंगे, अब ऐसे ऐसे होगा तो ऐसे करेंगे तो ऐसा। ऑनेस्टली व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, मार्वल की फिल्म्स अगर देखें, डीसी की फिल्म्स अगर देखें, मतलब प्लॉट इतना गंभीर होता है पर इतना भी मतलब वो नहीं होता है कि देख, काफी सिंपल प्लॉट्स होते हैं क्योंकि बच्चों को भी फिल्म्स देखनी होती हैं, एडल्ट्स भी देखेंगे और बहुत सारे एडल्ट्स देखेंगे जो बच्चे हैं दिमाग से। सो ये स्टोरी लाइन तो फिर बहुत थिन होना जरूरी है इन टाइप ऑफ फिल्म्स में, क्योंकि इतना सारा प्लॉट तो निकल जाता है समझाने में कि ब्रह्मास्त्र क्या है, अब अस्त्र का ये क्या मतलब है, वो क्या मतलब है। अगर स्टोरी प्लॉट भी बहुत थिक होती है ना तो शायद वो ज्यादा ऑडियंस मेंबर्स को समझ ही नहीं आती फिल्म, क्योंकि मैं आपको यकीन से बोल सकता हूँ कि शायद मेरी मॉम को ये मूवी समझ आई नहीं है। इट्स अ फैंटेसी फिल्म और उसमें हिंदुइज्म को, हिंदुइज्म के जो बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट चीजें हैं उनको निकाल के निहारी हैं, आई थिंक, एंड दे हैव बीन वेरी रेवरेंशियल टू हिंदुइज्म। आई डोंट थिंक कि हिंदुइज्म को लेके इन्होंने कुछ ऐसा बुरा बोला नहीं है फिल्म में। मैं भी हिंदू हूँ और मेरी कोई सेंटिमेंट्स इस फिल्म को देख के दुखी नहीं हुए। इस मूवी में नेपोटिज्म भर भर के है, वो तो है, वो तो पहले से पता, पोस्टर से पता था। तो अगर उस वजह से आपको मूवी नहीं देखनी है क्योंकि आप नेपोटिज्म को नहीं सपोर्ट करना तो मत करो, वी डोंट केयर। याद आया कुछ? डोंट वांट टू, नोबडी इज फोर्सिंग यू ऑन पुटिंग अ गन टू योर हेड। इफ यू डोंट लाइक मी डोंट वॉच मी, आई कांट हेल्प इट। ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने तो मत जाओ। एनीवे, सो लेट्स मूव ऑन विद द स्क्रिप्ट। आई लव्ड नागार्जुनास रोल, शाहरुख खान, वो इतने तगड़े एक्टर्स हैं और इतने मतलब मंजे हुए खिलाड़ी हैं, जो मतलब मूवी में आते हैं वहां पे समझ आता है कि वाओ लुक एट दैट, इट्स अमेजिंग। फिर गुरुजी का आश्रम पे जाना है और वहां पे ऑब्वियस बात है कि अमिताभ बच्चन ही गुरुजी बनेंगे, कोई और मतलब दुनिया में है ही नहीं जो गुरुजी बन सकते हैं। सो आलिया भट्ट इस फिल्म में सेकंड फिडल यानी के नंबर टू स्पॉट पे दिखी जाती है, हीरोइन के स्पॉट पे। एंड मैं यूज्ड टू नहीं हूं कि मैं इनको एक ऐसे, वो हमेशा कैरेक्टर प्ले करती है, बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले करती है, उनका छोटा रोल भी अगर कोई फिल्म में होता है तो वो बहुत पावरफुल होता है। इस फिल्म में एक मतलब हीरोइन प्ले करना, इट डिडंट फील गुड क्योंकि शी इज बेटर देन दैट। मुझे लगता है कि आलिया भट्ट एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है एंड वो खुद एक हीरो है, तो उसको हीरो की हीरोइन प्ले करने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता था कि इस मूवी में अगर उनको थोड़ा सा और कुछ मिलता करने के लिए इस फिल्म में, जस्ट सपोर्ट नहीं करती हीरो की, वो उसका भी कुछ ऐसा अमेजिंग पार्ट होता जहाँ पे it would be more powerful. एक पॉइंट पे हम देखते हैं फिल्म में जहाँ पे आलिया भट्ट गिर जाती है छत से, और वहां पे शिवा के दिमाग में आता है कि कुछ, अरे अरे ईशा, फिर वो जाके फोन करता है उसको और वो तुरंत उठा लेती है, गिर के बिल्डिंग से पूरा मतलब रबल इधर उधर है और वो ऐसे गिर के चोट में उठती है और हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। It's like, that's the last thing you think of doing, picking up the phone to your boyfriend. Let's get to the conclusion. Ye movie ek action sci-fi fantasy movie hai, to aapko apna belief thoda suspend karna padega. And I have to say ke mujhe jab end hoti hai film, I came up with a feeling of a good message. तो मूवी का मैसेज बहुत अच्छा है कि प्यार से भरकर कुछ नहीं, प्यार से सबसे बड़ा होता है, एंड सो दैट्स नॉट, यू कांट हेट दैट। डेफिनेटली इस मूवी में प्रॉब्लम्स हैं, प्लॉट के प्रॉब्लम्स है, स्टोरी लाइन बहुत थिन है। आई थिंक ये जो ग्राफिक्स है, पहली बार अगर हम कहें तो बहुत अच्छे ग्राफिक्स हैं, और बहुत सारे लोग तो मार्वल फिल्म्स, डीसी फिल्म्स देखने जाते हैं
वो बड़े बड़े ग्राफिक्स के लिए ही. तो यहाँ पर ग्राफिक्स के लिए अगर आप देखने जाएंगे और स्टोरी लाइन इतनी जरूरी नहीं आपके लिए, तो आपको ब्रह्मास्त्र मूवी बहुत अच्छी लगेगी. एंड अगर आप रणबीर कपूर के फैन हैं तो आपको ये मूवी अच्छी लगेगी. अगर आप आलिया भट्ट के फैन हैं तो आपको ये मूवी इतनी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आई थिंक शी इज जस्ट नॉट डन इनफ इन दिस रोल. आई थिंक शी कुड हैव डन अ लॉट मोर. आई थिंक शी इज बीन यूज्ड एज अ हीरोइन व्हेन शी शुड आल्सो जस्ट बी अ हीरो. एनीवे, तो आगे देखेंगे पार्ट टू में क्या होता है. अब देव की स्टोरी आएगी. ऑब्वियसली रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी उस मूवी में होंगे, पर आई थिंक वहां पे हम दीपिका पादुकोण को भी देखेंगे. एंड डेफिनेटली इट्स लुक मैं डेफिनेटली दूसरी मूवी देखने जाऊंगा. आई डेफिनेटली वॉच इट. जैसे कि मार्वल फिल्म्स में ऐसे हो गया था कि एक पॉइंट पे मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था स्टोरी में, मैं तो बस देखने जाता हूँ कितने पटाखे बजाएंगे इस बार. और मैं ये 100% कहूंगा कि ब्रह्मास्त्र में बहुत सारे पटाखे हैं. अगर आपको पटाखे पसंद है तो जाके देख लो. That's what I have to say. अगर आप स्टोरी ढूंढनी है तो घर पे बैठे रहो. नमस्ते.